सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ सी नारायण, लेकर आज के दिन विशेष जो है भाई 23 नवंबर के, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल, रोचक सवाल, जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो तब तक बने रहें वीडियो में, और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा बहन भाइयों। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो दो सुविचारों के साथ। पहला सुविचार यह है कि भाई जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो दूसरा उस पर विश्वास ना करे। जी हाँ मैंने भाई, हो बहुत ही बढ़िया सुविचार। जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो दूसरा उस पर विश्वास ना करे। दूसरा सुविचार, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। जी हाँ बहन भाइयों, है ना, ये बहुत ही अच्छा सुविचार। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए भाई, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। तो ये हुए भाई आज के दो सुविचार। अब आज का सवाल, रोचक सवाल, किस जीव की हड्डी दुनिया में सबसे अधिक मजबूत होती है? जी हाँ बहन भाइयों, किस जीव की हड्डी दुनिया में सबसे मजबूत होती है? तो वही सोचिए, ढूंढिए, और अगर ना मिले तो मैं हूँ ना। वीडियो में अंत तक बने रहे, अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा। तो चलिए मेरे भाइयों, आज हिबोचिना दिवस है। जी हाँ, मध्ययुग के सबसे प्रभावशाली गणितज्ञों में से एक लियोनार्डो बोनाची, इनको सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है, विश्व हिबोचिना दिन। और आज राष्ट्रीय एक्सप्रेसो दिन भी है। ये दिन शक्तिशाली पेयों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में ये दिन मनाया जाता है, विश्व एक्सप्रेसो दिन। और आज भाई राष्ट्रीय काजू दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही ढेर सारी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं भाई आज के दिन विशेष 23 नवंबर के। और 23 नवंबर की ये है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1924 में एडविन हबल, इन्होंने देवयानी यानी एंड्रोमेडा, ये एक आकाशगंगा होने का प्रतिपादन किया। 1936 में लाइफ मैगजीन फोटो मैगजीन के रूप में पुनः प्रकाशित हुआ। 1955 में कोकोज आइलैंड, इस बेट का कब्जा इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। 1971 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पहली बार भाग लिया। 1992 में 92 IBM साइमन, यह पहला स्मार्टफोन प्रकाशित हुआ। 1999 में भाई नागपुर के संस्कृत के महाकवि और संस्कृत पत्रकार डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इनको इस क्षेत्र में कठोर तपश्चर्या करने के लिए अप्पा शास्त्री राशिवड़ेकर, ये पुरस्कार प्रदान किया गया। 1744 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन कार्ट्रे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1873 में वियतनाम की राजधानी हनोई पर फ्रांस ने कब्जा किया। 1904 में अमेरिका के सेंट लुइस इस शहर में तीसरी ओलंपिक प्रतियोगिता संपन्न हुई। 1983 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार भारत में किया गया। 2006 अमेरिका ने रशिया के सुखोई इस जेट लड़ाऊ विमान निर्मिती कंपनी के निर्बंध हटाए। 2007 में ऑस्ट्रेलिया में हुए चुनाव में मजदूर पार्टी की विजय हुई। 2009 में फिलीपींस में पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले 32 लोगों की हत्या की गई। सन 1165 में पोप अलेक्जेंडर तीसरा निर्वासन के बाद रोम वापस लौटे।
1923 में जर्मनी की गुस्ताव स्ट्रेसीमैन इनकी गठबंधन की सरकार, इसका पतन हुआ। 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता निराद सी चौधरी, इन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए, सेंचुरी लगा दी भाई इन्होंने। 2002 में G20 की बैठक नई दिल्ली में शुरू हुई। तो ये हुए भाई आज की ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के यानी 23 नवंबर के जन्मदिन, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक संजीव सैम गंभीर 1962, अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी के कार्यकारी डोनाल्ड टेनेंट 1922, अभिनेत्री तनिष्का चटर्जी 1980, लगभग 45 शिक्षा संस्था की संस्थापिका शिक्षाविद डॉक्टर सरला बिरला 1923, बाइजेंटाइन के सम्राट अलेक्जेंडर 870, जी हाँ ओनली सिर्फ 870 इनका जन्म हुआ। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान के इस ग्राउंड के संस्थापक थॉमस लॉर्ड 1755, उद्योगपति वालचंद हीराचंद दोषी 1882, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बंगाली इंग्लिश लेखक निराद सी चौधरी, जिन्होंने 100 साल पूरे किए थे वही 1897 में इनका जन्म हुआ और 1997 में इन्होंने 100 साल पूरे किए अपने जीवन के, लेखक नागनाथ संतराम तथा NS इनामदार 1923, आध्यात्मिक गुरु सत्यनारायण राजू तथा सत्य साई बाबा 1926, अभिनेत्री गायिका गीता दत्त 1930, पापा जॉन पिज्जा के संस्थापक जॉन स्नाटर 1961, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी गैरी कर्स्टन 1967, अभिनेत्री अमृता खानविलकर 1984, हिंदी कथाकार कृष्णचंदर 1914, अभिनेता करण पटेल 1983, गायक रैपर बाबा साहगल 1965, फिल्म मेकर साजिद खान 1970, अभिनेता रजा मुराद 1950। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन 23 नवंबर के नोबेल पारितोषिक विजेता वनस्पति शास्त्री जगदीश चंद्र बसु 1937, अभिनेता निर्माता चिंतामणराव कोल्हटकर, ये मराठी हैं 1959, सिंगापुर के पहले अध्यक्ष यूसुफ बिन इश्क 1970, भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री मर्ले ओबेरॉन 1979, चित्रकार कला समीक्षक महाराष्ट्र के कला संचालक बाबूराव सडवेलकर 2000, क्रांतिकारक लेखक और इतिहासकार सखाराम देउस्कर 1912, फ्रांस के लेखक आंद्रे मेलरो 1976, संसद सदस्य और आर्य समाज के नेता प्रकाश वीर शास्त्री 1977, पार्श्व गायिका मीना कपूर 2017 और अभिनेता वरुण बडोला 2020। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष जो रहे 23 नवंबर के। अब आज का सवाल जिसका जवाब है भाई ना, नहीं लेकिन सवाल तो पहले आपको दोहरा दूँ, तो सवाल ये था कि भाई किस जीव की हड्डी दुनिया में सबसे मजबूत है। तो जवाब है भाई बाघ, जी हाँ टाइगर, बाघ इसकी दुनिया में सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो बहन भाइयों अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कीजिएगा, है ना। तो चलिए इस जानकारी के साथ और आज के दिन विशेष के साथ आज के दिन विशेष खत्म करते हैं।
आज की जानकारी और दिन विशेष कैसा रहा भाई, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, एक उंगली का कष्ट उठाइएगा सिर्फ मेरे लिए। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ ही आज के ये दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ और फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब।